संसद का मानसून सत्र इस बार कई मायनों में यादगार रहेगा। आज सदन में बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, तो वहीं इसी दौरान जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो संसद में हो हल्ला शुरू हो गया। हर बार की तरह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और पीएम मोदी खामोशी से सारी बातों को सुनते रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने हिंदू के बयान पर बात कही और फिर अचानक से जाकर पीएम मोदी के गले लग बैठे। राहुल गांधी के ऐसा करने पर एक बार तो पीएम मोदी भी चौंक गए कि आखिर भला हो क्या रहा है। तो वहीं सदन में कुछ लोगों ने इस बात पर राहुल गांधी की तारीफ की तो कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने राहुल गांधी के इस काम पर हैरानी जताते हुए उन्हें नसीहत दी है कि संसद कोई पप्पी झप्पी का एरिया नहीं है। हरसिमरत कौर ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया और उनकी इस करतूत को कहा कि आज नए मुन्ना भाई पैदा हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल की बातों में कोई वजन नहीं था और जब जवाब का वक्त आएगा तो वो दुम दबाकर भाग जाएंगे। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।